किसान आंदोलन पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए समिति गठित। एक महीने में रिपोर्ट देगी 5 सदस्य समिति। दरअसल ग्रेटर नोएडा और नोएडा में आंदोलनरत किसानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। जहां किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए 5 सदस्य समिति का गठन करने का आदेश दे दिया गया है। IAS अनिल कुमार सागर की समिति की अध्यक्षता करेंगे। उनके अलावा पीयूष वर्मा विशेष सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, संजय खत्री ACEO नोएडा और सौम्य श्रीवास्तव ACEO ग्रेटर नोएडा, कपिल सिंह ACEO YEIDA सदस्य नामित किए गए हैं। समिति एक महीने में रिपोर्ट और अनुशासन साहित्य को यहां पर प्रस्तुत करेगी। किसान दलित प्रेरणा स्थल पर डटे हुए हैं, तो वहीं मंगलवार को पुलिस ने 160 से ज्यादा किसानों को हिरासत में लिया था। हिरासत में लिए गए महिलाएं और बुजुर्गों को भी यहां पर इसमें जिनको हिरासत में लिया गया था उनमें शामिल थे, जिनको शाम को छोड़ दिया गया। वहीं सोमवार को किसानों ने एक सप्ताह तक समय सरकार को देते हुए प्रेरणा स्थल पर ही डेरा डाल दिया। किसानों ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर दिल्ली कूच किया जाएगा। दूसरी ओर राकेश टिकैत ने भी नोएडा में प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन किया है। जहां उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को उचित और पूर्ण भुगतान किए बिना कृषि भूमि अधिग्रहण के अन्यायपूर्ण तरीके के खिलाफ किसान विरोध कर रहे हैं। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल से किसानों के धरने को जबरन खत्म कराए जाने और नेताओं समेत किसानों को गिरफ्तार करने के विरोध में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन ने एक बड़ी महापंचायत बुलाई। ये महापंचायत ग्रेटर नोएडा के जीरो पॉइंट पर होगी, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत आसपास के जिलों के हजारों किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ पहुंचेंगे। ये फैसला चौधरी नरेश टिकैत की अध्यक्षता में हुई पंचायत में लिया गया। किसानों की समस्याओं और किसान आंदोलन का अब खुद सीएम योगी ने संज्ञान लिया है और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए समिति गठित करने के आदेश भी यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। किसान आंदोलन पर सीएम योगी ने खुद इस मामले को संज्ञान में लेते हुए बड़ा ऐलान किया है। जहां किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए यहां पर एक 5 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। एक महीने में ये समिति, जो 5 सदस्यीय समिति है, वो यहां पर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं लगातार यहां पर एक बार फिर से किसान दिल्ली कूच करने के लिए रवाना हुए थे। हालांकि यहां पर सरकार को 7 दिन का किसानों द्वारा अल्टीमेटम दिया गया है। ऐसे में यहां पर सीएम योगी ने इस मामले को खुद संज्ञान में लेते हुए 5 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। इसके साथ ही यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सभी वार्डर्स पर। वहीं किसान आंदोलन को लेकर सीएम योगी ने यहाँ पर 5 सदस्यीय समिति को बनाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर यह समिति एक महीने में अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सरकार को सौंपेगी। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे जो सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा ये 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है, इसमें किन किन अधिकारियों को शामिल किया गया है और उनका क्या रोल होगा। प्रवीण, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी प्रियंका जी, जी जो मैं आपको बता जी, जी। प्रवीण, जो यहाँ पर 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, इसमें किस किस अधिकारी को क्या रोल सौंपा गया है और इसमें कौन कौन से अधिकारी शामिल होंगे? जी आपको बता दें कि जिस तरह से किसानों का लगातार नोएडा में प्रदर्शन हो रहा है जी, उसको लेकर यूपी सरकार ने एक सीएम योगी के निर्देश के द्वारा एक हाई लेवल कमेटी का जो है गठन किया गया है। इस कमेटी में कुल जो है 5 सदस्यों को गठित किया गया है। इसमें जो एक मेन जो है अध्यक्ष रहेंगे और 4 सदस्य रहेंगे जी। वहीं प्रवीण, यहाँ बात की जाए, क्या यहाँ पर उम्मीद की जा रही है, क्या इस समिति के गठन से यहाँ पर किसान अपने जो आंदोलन कर रहे हैं, जो दिल्ली कूच करने का यहाँ पर प्लान बनाया 7 दिन बाद, क्या उसे टाल देंगे? वहीं यहाँ पर आंदोलन समाप्त होने की कोई संभावना है? नहीं, आंदोलन समाप्त होने की तो संभावना नहीं है, क्योंकि अभी जो है राकेश कैद ने भी कहा है कि हम लोग जो है अभी
ग्रेटर नोएडा जीरो पॉइंट पर बैठकर आंदोलन करेंगे। वहां पर भी काफी किसान जो है इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं प्रियंका, 8 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इन किसानों के लिए टीम गठित की गई है। इससे कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाई दे रहा है कि किसानों की मांग को लेकर जो है कोई एक उम्मीद जगी है किसानों में कि हाँ हमारी मांगे पूरी हो सकती हैं। जी प्रियंका। भाई प्रवीण, यहाँ बात की जाए, यहाँ पर 1 महीने का समय दिया गया है समिति को अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सरकार को प्रशासन को सौंपने के लिए। ऐसे में क्या इस दौरान आंदोलन में कोई खास बदलाव देखने को मिल सकते हैं? जी मैम, ठीक है, जिस तरह से आपने बताया अभी कि मैं आपको बता दूं, किसान जो है वो अब बिल्कुल शांत हो चुके हैं, क्योंकि एक जिस तरह से कल जिनके 700 लोग गिरफ्तार किए थे उससे जो किसान है काफी किसानों काफी रोष था। लेकिन उसके बाद जब उनको पता चला कि हमारे लिए एक टीम गठित की गई है, तो किसान आंदोलन तो करेंगे लेकिन उग्र आंदोलन नहीं करेंगे, वो आराम से बैठकर जीरो पॉइंट पर बैठकर आंदोलन करेंगे। और उन्होंने कहा है कि जब तक, और उन्होंने वहां पे टेंट भी लगाना स्टार्ट कर दिया है, और वहां पे उन्होंने कहा कि हम यहाँ से जब तक नहीं हटेंगे, चाहे 1 महीना लगे या 2 महीने लगे, जो टीम गठित हुई है इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है उसके बाद तय होगा कि हम किस तरह से प्रदर्शन खत्म करेंगे या नहीं करेंगे। प्रवीण, यह बात की जाए जिस तरह से जहाँ पर यहाँ पर किसान धरने पर बैठे हैं, ऐसे में क्या कुछ स्थिति उस जगह की बनी हुई है इस समय? ये आपको बता रहे हैं कि वहां पे जो किसान है धीरे धीरे एकत्र हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन जो है ना वहां पे उन्होंने टेंट लगाना भी शुरू कर दिया है, टेंट वाले आ गए हैं, टेंट लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो वहां पर धरना प्रदर्शन वहां बैठकर करेंगे, कोई उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन जब तक उनकी बातों का रिजल्ट नहीं निकलता, उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, जब तक वो वहां से नहीं हटने वाले हैं। वहीं यहां पर राकेश टिकेत की बात करें, उन्होंने भी यहां पर किसानों को अपना समर्थन दिया है, ऐसे में क्या उनके समर्थन से इस आंदोलन पर कोई खास प्रभाव अब देखने को मिल सकता है? क्या कुछ प्लानिंग, क्या कुछ रणनीति आगे की रहने वाली है? जी आपको बता दें, जिस तरह से राकेश टिकेत ने बोला है कि हम किसानों के साथ हैं और पूरे देश के किसानों के साथ हैं, आज उस आंदोलन में जो राकेश टिकेत है वो शामिल होने भी आ रहे हैं, और वहाँ पे जो किसान है उनका इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके राकेश टिकैत हमारे यहाँ पहुंचे और वो आंदोलन में शामिल हो। जी प्रवीण, यहाँ पर किसान यूनियन ने यहाँ पर महापंचायत बुलाने का भी निर्णय लिया है, तो ऐसे में क्या इस महापंचायत से आंदोलन को और बल मिल सकता है? जी महापंचायत का मतलब ही ये है कि उनकी जो मांगे हैं उसमें किसान ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे हो, और जब महापंचायत होगी तो ये 84 गांव के जो किसान है वो तो आएंगे, जो देश में जुड़े जो अन्य राज्य में जो किसान है वो भी यहाँ पे आगे इकट्ठे होंगे, जिससे इनको जो है मजबूती मिलेगी और इनकी मांगे जो पूरी करने में जो है एक मदद मिलेगी। जी भाई प्रवीण, बात करें यहाँ पर किसानों ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है प्रशासन को कि यहाँ पर उनकी मांगे मान ली जाती है 7 दिन में तो वह दिल्ली कूच नहीं करेंगे, हालांकि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो फिर वो 7 दिन बाद दोबारा से एक बार यहाँ पर अपना प्रदर्शन, अपना मार्च दिल्ली की तरफ शुरू करेंगे। ऐसे में अब 1 महीने के लिए यहाँ पर समिति का भी गठन किया गया है, क्या कुछ असर अब इस 7 दिन के अल्टीमेटम पर इसका देखने को मिल सकता है? प्रियंका, ये तो देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह से बातें सामने निकल कर आती है। अगर 7 दिन के अंदर कोई रिजल्ट निकलता है तो किसान उग्र प्रदर्शन या कोई भी प्रदर्शन है वो नहीं करेंगे, लेकिन जो है किसानों के लिए एक टीम गठित की गई है, उसके लिए 1 महीने का समय मांगा है, तो इससे लगता है किसान जो है अब आराम से बैठ के आंदोलन करेंगे, एक जगह पर बैठेंगे और वहीं पर बैठ के टेंट जो लगाए हैं वहीं बैठेंगे और कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। किसानों ने ये भी आरोप लगाया प्रवीण कि यहाँ पर कृषि भूमि का अधिग्रहण का जो तरीका है वो अन्यायपूर्ण तरीके से हुआ है, ऐसे में इस मुद्दे पर सरकार की ओर से क्या कुछ रुख अपनाया गया है, क्या कुछ प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से आई है? जी आपको बता रही, ये जो टीम गठित की गई है इसी जो मेन मांग उनकी जो है कि जो उनके जो जमीनें थी, जो तीनों नोएडा ठोटी, ग्रेटर नोएडा ठोटी और नोएडा प्राधिकरण ठोटी ने जो अधिग्रहण की है उनका पूरी तरह से उनको मुआवजा नहीं मिला है, जबकि 10% की बात हुई थी, इन्होंने हमें 5% दिया है, लेकिन 5% मुआवजा जो है हमारा अभी बाकी है। मेन मुद्दा मुआवजे का ही है और ये उनसे बात की जा रही है जो टीम गठित हुई है, अगर 10% का नियम लागू होता है तो किसानों में बहुत राहत मिलेगी। प्रवीण, यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है जिस तरह से किसान यूनियन ने महापंचायत को यहाँ पर बुलाया है, ऐसे में अब सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम सरकार करेगी? आपको बता रहे कि इससे सुरक्षा के लिहाज से जो है नोएडा कमिश्नर की जो लक्ष्मी सिंह है, जो नोएडा कमिश्नर है,
उन्होंने पूरी तरह से जो है पुलिस मुस्तैद कर दी। करीब 4000 जवान जो है वो आसपास के बॉर्डरों पर और जहां पर ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहां पंचायत कर रहे हैं, वहां पर करीब 4 से 5 हजार जवान जो है वो लगाए गए हैं। जी प्रवीण, जो यहाँ पर 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, ऐसे में किसानों द्वारा इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि महापंचायत होने वाली है, इस महापंचायत में जो शासन प्रशासन के अधिकारी भी वहां पहुंचेंगे और इस बात को जो जो उनकी मांगे हैं उनकी मांगों को सुनेंगे। और जो टीम के जो 5 लोग हैं, जब मैंने बताया एक अध्यक्ष, जो 4 सदस्य हैं वो भी वहां मौजूद रहेंगे। ठीक है, उनकी बातें सुनने के बाद ही इसका नतीजा निकलेगा। जी क्या कुछ यहाँ पर अन्य मांगों को भी लेकर विस्तार से यहाँ पर चर्चा सरकार और यहाँ पर किसानों के बीच हुई है? जी आपको बता रहे हैं उनकी मांगे जो है वो 5 मांगे हैं उनकी। एक जो सबसे बड़ी मांग है उनकी मुआवजे की, जो 10% की मांग है, एक तो वो है, प्लस जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो नियम लागू किए गए किसान के, वो कह रहे हैं कि जो नियम लागू हुए हैं हमारे लिए और वो अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसको लेकर भी उनकी मांगे जो है अभी चल रही है। चलिए प्रवीण, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं इस मामले पर किसानों के दिल्ली कूच को लेकर अभी फिलहाल 7 दिन का अल्टीमेटम किसानों द्वारा यहाँ पर सरकार को दिया गया है। अगर उनकी मांगे मान ली जाती हैं तो 7 दिन बाद दिल्ली कूच नहीं करेंगे। ऐसे में यहाँ पर खुद सीएम योगी ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसमें यहाँ पर इस समिति को 1 महीने के भीतर यहाँ पर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। इस समिति के गठन के बाद से ही यहाँ पर किसानों में यहाँ पर एक संतोषजनक भावना देखने को मिल रही है। किसान यहाँ पर संतुष्ट होते नजर आ रहे हैं कि उनके लिए उनकी मांगों को एटलीस्ट सुना जा रहा है।